हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। ये है आटा चक्की और इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो इस वजह से हस्बैंड ने पूरा खोला हुआ है ठीक करने के लिए। और ये वीडियो है सैटरडे का, सैटरडे शाम का। हस्बैंड ऑफिस आने के बाद में ही ये ठीक कर रहे हैं। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि किचन में ही कर रहे थे, पर किचन में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो इसी वजह से फिर हॉल में ले गए और वहाँ ठीक कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ठीक कर चुके हैं और वापस से लगा रहे हैं सारे पार्ट्स को। और ये है दूसरे दिन का क्लिप, यानी संडे का शाम का, क्योंकि पूरे दिन मैंने कुछ वीडियो शूट वगैरह नहीं किया था, घर पे थे सब, तो फिर थोड़ा बहुत टाइम ऐसे भी बिताना चाहिए बिना कैमरे के, तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और शाम को मैं यहाँ पे पकौड़े बना रही हूँ, प्याज के पकौड़े बना रही हूँ, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इनफैक्ट बारिश के आंधी तूफान, बहुत तेज़ वाली आंधी तूफान चल रही है और बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान भी हुआ होगा कहीं पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान थी, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली। घर में तो आप सोचो कि पूरी तरह से हवा थी, मतलब एक तरफ से हवा नहीं थी, पूरी तरह से मतलब मंडे के दिन तो मैं क्या ही बोलूँ कि पूरे दिन मेरा साफ़ सफाई में ही बीता। इस वजह से मैं वीडियो भी एडिट नहीं कर पाई, पूरा दिन लग गया मुझे घर की साफ़ सफाई करने में, मतलब पूरा बालकनी आगे पीछे सब कुछ साफ़ करना पड़ा और बहुत अच्छे से करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो ये वीडियो मुझे कल ही एडिट करना था पर हो नहीं पाया, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारा काम था, पूरा दिन लग गया मुझे काम करने में। और यहाँ पता नहीं क्या ही कॉम्बिनेशन है, जब बारिश चालू होता है तो ज़्यादातर लोगों का यही डिमांड होता है कि बस पकौड़े बना लो, चाहे जिस भी चीज़ के पकौड़े बन पाएँ। और प्याज के पकौड़े बहुत जल्दी बन जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ज़्यादा तामझाम नहीं होता। आपने प्याज कट किए, मसाले डाले, बेसन डाले और आपने फ्राई कर लिए, तो बस पकौड़े का मज़ा लेंगे और चाय बनाएंगे इसके साथ में वापस, क्योंकि चाय पानी हमारा हो चुका था 7 बजे से पहले। और ये क्लिप 7 बजे के बाद का है, 7 बजे के बाद मतलब आंधी तूफान चालू हुआ था, तो मंदिर जाने वाले थे तो मंदिर भी हम नहीं जा पाए क्योंकि दीदी आ गई हैं गांव से, तो उनका फ़ोन आया कि चलो जा आते हैं, पर वही फिर मौसम ख़राब था तो वेट कर रहे थे कि थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो फिर हम निकले, पर नॉर्मल होने के बजाय मौसम और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाला मौसम बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान थी संडे के दिन। बाबू का ले रही हूँ कहाँ बैठा है बाबू? अरे भी बैठा, लेकिन दिखाऊंगी नहीं, इनको नहीं दिखाऊंगी। पापा का हाथ दिख रहा है, पैर दिख रहा है, पापा गंजी में है तो नहीं दिखाऊंगी। अरे यार आज पकौड़े एंजॉय करते हैं सब, बारिश का ये देखो। तो बोल भी क्यों रहे हो कि मेरे पति देखो गंजी में बैठे, ऐसा बोलना भी क्यों चाहिए? ऐसा बोलना भी क्यों चाहिए जब भी खाना नहीं है? सही बात है। ओहो इनका स्टाइल मारना देखो। बोला था कि आलू के पराठे, वो उसकी नानी थी बाहर जो खड़ी थी जो बोल रही थी मेरे को, बोले बारिश बंद हो, बोले उसकी नानी आलू के पराठे बनाने वाली थी, पापा आ गए। बस तो पेट पूरा करके रखा मैं तो। अच्छा ऐसा, चलो पकौड़े खा लेते, नहीं ठंडा हो जाएगा, फिर मिलते हैं आप सबसे, है ना बाबू? भजिया कैसे बनाए? धमाकेदार होता है भाई, धमाकेदार भी बोल सकते हैं। ये वाला मेरा छोटा वाला, फिर मेरा हो गया है ना। चले मुझे पकड़ के करते हैं। वायर आ रहा है बीच में, आगे इस तरह का वायर, क्या मोटी मोटी बूंदे पड़ रही, देखो तो मजा आ गया सही में, कितने मस्त लग रहे बाबू, ऐसा लग रहा है कि ओले गिर रहे है। बच्चे बाहर ही खेल रहे थे, इतने में आंधी तूफान आ गई थी, तो जिसका घर पास में था, जो नज़दीक के बच्चे थे वो तो अपने घर में चले गए थे और बाकी जो बच्चे दूर के थे तो वो किसी ना किसी के घर में चले गए थे। तो युवराज भी किसी के घर में रुके हुए थे और जब आंधी तूफान चल रही थी उसी बीच हस्बैंड ने बोला कि मैं जाके ले आता हूँ बाबू को, पर मैंने मना किया, मुझे पता ही था कि किसी ना किसी के घर में ही होगा, कोई बाहर नहीं छोड़ेगा ऐसे आंधी तूफान में किसी भी बच्चे को। तो आपने देखा है कि किसी के घर में ही था और बहुत अच्छे से रखा था जिसके घर में था वो, तो उसको वहाँ ही अच्छा लगता है, वहाँ एक्चुअली खेलता है हर दिन जाके। अच्छा पूरा पता है कैसा लग रहा है, वो नहीं आते जो बर्फ के एरिया में रहते हैं, भालू जैसे रहते हैं, वाइट वाइट कलर के, वाइट बियर भाई बोलते हैं ना, वाइट बियर वैसा लग रहा है।
और ये ब्राउन बियर है। कमुआ कैसा लग रहा है? छोटू सा मुझे कैसा लग रहा है? क्योंकि कंबल से पूरा ढका हुआ इसके लिए। पहले पहले दुल्हने ऐसे दिख रही बाहर जाती थी। गाइस, आज पहली बार हमने गर्मी में कंबल ओढ़ा है, क्योंकि बाहर का मौसम देख लो आप सभी। हाँ देख लो बाहर का मौसम, बारिश चालू है अभी भी देखो, और बहुत ज्यादा चालू है। थोड़ी सी बड़ा मई महीने में बारिश धीरे हो रही है, तेज हो रही है, धीरे हो रही है, तेज हो रही है, लेकिन बंद नहीं हुआ है। पिछले चार घंटे से बारिश पड़ रही है ना आज। चलो रोटी बनाया जाए बेटा। क्या लग रहा है? ब्राउन कीड़े? इतना बड़ा कौन सा कीड़ा होता है भाई? इतना बड़ा कीड़े कौन सा? सिंचन के पास कीड़ा ली ड्रेस है। अरे यार सिंचन ये सभी देख देख के पगला गया मेरा बेटा। अरे मेरा बच्चा पागल बेटा, ऐसे जरूरी नहीं है। वो प्यार से भी बोला जाता है, अरे मेरा पगला बेटा ऐसे भी बोला जाता है। वो उसका ये मतलब नहीं कि वो मीन करती हूँ। पहना था मैंने टी शर्ट और ट्राउजर, टी शर्ट और ये पजामा, फिर चेंज किया। फिर क्या चेंज करना ही पड़े ना, आके चेंज किया। वो खड़े थे बाहर। और ये वीडियो है कल का, मंडे का, और शाम का वीडियो है। एक्चुअली शाम नहीं, ये रात हो रही है, तो वही मैं बता रही थी भाभी से कि हम लोग छत पे बैठे हुए थे, मतलब हस्बैंड आए चाय वगैरह बना के, हम लोग ऊपर ही बैठ जाते अगर मौसम सही रहता है तो, थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए या 45 मिनट के लिए ऐसे बैठ जाते हैं, चाय पानी पीते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो जैसे ही हम ऊपर गए चाय लेके, तो वैसे ही दीदी और जय जी आए, तो हमने बाहर से स्टॉपर लगा रखा था, क्योंकि हम आसपास में जाते छत पे जाते तो स्टॉपर ही लगाते, लॉक नहीं लगाते, तो उनको पता ही था कि स्टॉपर लगा हुआ है तो आसपास में ही होंगे। तो दीदी छत पे बुलाने के लिए आए, तो मैं ट्राउज़र और टी शर्ट पहना हुआ था मैंने, तो वही मैं बता रही थी भाभी को। और मैं ऐसे में जय के सामने नहीं आती हूँ, मतलब मेरे बड़े वाले जय जी उनके सामने भी नहीं आती हूँ, और इन जय के, वैसे मैं सबसे छोटी हूँ मैं बता दूँ, तो जय के सामने मैं नहीं आती, दोनों ही जय के सामने मैं नहीं आती हूँ। शुरू से ही ऐसे ही रह आई हूँ, तो इसलिए मैं अपने आप को चेंज नहीं करती, और मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती। नहीं तो बहुत लोग चेंज हो जाते, पर मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं लगता कि मैं चेंज हूँ। फिर हम लोग नीचे आए, सबसे पहले तो मैंने चेंज किया, क्योंकि मैंने ट्राउजर और टी शर्ट पहन रखा था। तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है मेरे परिवार में कि आपको यही पहनना है या इस तरीके से रहना है, पर क्योंकि मैं शुरू से इस तरीके से रह आई हूँ जय के सामने, बड़े जय के सामने, तो मुझे एकदम से ऐसे नहीं अच्छा लगता है कि मैं बिना दुपट्टे के सामने आ जाऊँ या बिना सिर ढके सामने आ जाऊँ। तो मैं दोनों ही जय के सामने सिर ढकती हूँ, घूंघट वगैरह तो आजकल कोई भी नहीं लेता, मैं भी नहीं लेती हूँ, लेकिन सिर ढकती हूँ दोनों ही जय के सामने। तो और जय मना भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका वीडियो तो सब देखते हैं, हम लोग भी देखते ही हैं आपका वीडियो। तो मैं बोली वो बात अलग हो जाती है, मतलब वीडियो में देखना और ऐसे सामने आना तो वो बात थोड़ी अलग हो जाती है। और शुरू से मैं ऐसे ही रह आई हूँ, तो इसलिए मैं एकदम से, मेरे से होता भी नहीं है कि मैं मतलब बिना सिर ढके या बिना दुपट्टा लिए मैं सामने आ जाऊँ। एक होता है ना कि जैसे मंदिर वगैरह में जाते हो, किसी बड़े को देखते हो, तो आपका हाथ सिर खुद ब खुद आपका मतलब वो रिस्पेक्ट देने लगता है। तो उसी तरीके से कि जैसे मंदिर में जाते हैं तो बिना सिर ढके हम माथा नहीं टेक सकते, तो उसी तरीके से कुछ आदतें ऐसी बन जाती हैं कि जो बड़े हैं तो उनके सामने आपका हाथ जो है खुद ब खुद आपका सिर ढकने को तैयार हो जाता है, तो इस तरीके से। और छोटी हूँ तो ऐसा मतलब शुरू से ही मेरी आदत बनी हुई है। और मेरे भैया थे, मतलब जेठ जी थे, तो वो भी मना करते थे कि सिर ढकने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बेटी जैसे हो, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ तो सबका लाड़ प्यार मुझे इसी तरीके से मिलता है, सब मुझे ऐसे ही रखते हैं। बट वही होता है ना कि सब मुझे इस तरीके से रखते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है सबका रिस्पेक्ट करना, सबकी आदर भाव करना, तो इसी वजह से मेरा हाथ खुद ब खुद सिर ढकने को तैयार हो जाता है। और यहाँ ये रात का क्लिप है जैसा कि मैंने बताया, तो भाभी आई हुई हैं और हमारी बातें चल रही हैं। कुछ ऐसे ही होता है, हम बातें भी करते रहते हैं, काम भी होता रहता है, हमेशा मैं ऐसा बताती हूँ, लेकिन हकीकत यही है। और हमारा किचन भी इतना बड़ा है कि आप देख सकते हो कि दो दो तीन तीन चेयर यहाँ पर लगा हुआ है, तो आराम से हम मैं काम करती रहती हूँ और बैठ के हमारी बातें भी होती रहती हैं। तो यहाँ मैं चटनी बना रही थी और भाभी को दिखा रही थी कि देखो कैसा है। तो सब देखो ना कितना, बच्चों को नहीं खाना, सब ना खाते।
ठीक है, तू कम से कम बारिश में 10 किलो पिसा के रख लेने का। पर भाभी ठंडी चालू हो गया ना, तो अरे मेरे को बोले छू के देखो, मैं बोली अच्छा मैं छू के देखू, कल का झटका नहीं पता। जीजा जी ने देखा, नहीं पिस जाएगा, प्रॉब्लम वो नहीं है, जब घंटी चालू है तो कुछ भी पिस जाएगा। और ये तो बहुत पहले से था, पता है आपको, ये आके फर्स्ट जाना कालू भी ऐसे बना ही लेने का, वो भी तो बना लेते। नहीं वो खाली वो तो करंट आ रहा था ना, उसका ठीक किया। हस्बैंड ने चक्की सही तो कर दी थी पर उसमें प्रॉब्लम रह गया था, यानी उसमें करंट आ रहा था और ये बात मुझे पता नहीं थी। तो संडे को मैंने सुबह सोचा कि चलो खाना भी बना रही हूँ, साथ में आटा भी पीस लेती हूँ, मतलब गेहूँ भी डाल दूँ, पीसता रहेगा, साथ साथ में दूसरा काम भी करती रहूँगी। तो मैंने प्लग लगाया बोर्ड में, अच्छा था कि मैंने स्विच चालू नहीं किया था, सिर्फ प्लग लगाया था। और उसके बाद में मैंने टच किया चक्की को, तो बहुत तेज़ का करंट लगा मुझे, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा तेज़ का करंट लगा। और जिस उंगली में लगा वो उंगली पूरी काली पड़ गई थी, तो मैं तो पूरे दिन कांपती ही रही झटके से। तो वो फिर बंद कर दिया मैंने, और अच्छा था ये, बहुत ज़्यादा भगवान का शुक्रगुजार है कि मतलब मैंने स्विच चालू नहीं किया था, शायद स्विच चालू होता तो मैं होती भी नहीं आज ये वॉइस ओवर करने के लिए। तो ये चीज़ मैं बता रही थी भाभी को कि अच्छा था कि स्विच चालू नहीं किया था, सिर्फ मैंने प्लग ही लगाया था। तो वही जीजा जी को आता है सब कुछ करने, इलेक्ट्रिशियन हैं, तो वो आए थे करने के लिए, वो मतलब आए थे नहीं, आए थे तो कर दिए थे, स्पेशली आए नहीं थे बट आए थे तो कर दिए थे, क्योंकि उनको आता है ना, तो इसीलिए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो वही मैं भाभी को बता रही थी कि अब ठीक हो गया तो अब कुछ भी पीसा जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पीस सकते वो पीस सकते, जब चक्की चालू है ना तो कुछ भी पीस सकते हैं। और मैंने मुरैया भिगा के रखा हुआ है क्योंकि भाभी का है सोमवार का व्रत, तो मैं वो बनाऊंगी। और मुरैया यहाँ पे गुजरात में मुरैया बोला जाता है, पता नहीं और जगह पे क्या बोला जाता है, छोटे छोटे दाने होते हैं वाइट कलर के जो कि फलाहार में खाए जाते हैं, व्रत में खाए जाते हैं, तो वही भिगो के मैंने रखा हुआ है। और बाकी के लिए, बाकी सब के लिए मैं खाना बना रही हूँ, यहाँ पे दाल उबल गया, रोटी बना रही हूँ, रोटी भी मैंने 4 ही सेके हैं अभी, क्योंकि बच्चे खा लेंगे एक बार तो फिर मैं बाकी लोगों के लिए बाद में रोटी बनाऊँगी, पहले मैं चावल रख दूँगी बनने के लिए ताकि बन जाए तो भाभी का मैं बना सकूँ, क्योंकि भूख लग ही जाती है भूख के टाइम पर। तो इसलिए मैंने 4 ही रोटी सेकी है दोनों बच्चों के लिए, और उसके बाद में चावल बिठाया है, और बाद में लास्ट में सबके लिए रोटी बनाऊंगी मैं। नहीं है, नीचे चला गया। हम लोग एक्चुअली फ्रिज का ही पानी पीते हैं, और मटका में भरती हूँ ऐसा नहीं है, पर मटका का पानी हमारा यूज़ नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि हम लोग फ्रिज का पानी पीते हैं तो बस वो भरा रहता है। पर भाभी मटके का पानी पीते हैं, अनारा भी पीती हैं, भाभी के घर पे सब मटका का पानी ही पीते हैं, गड़े का पानी यानी। और गप्पू हैं तो वो फ्रिज का पीते हैं, बाकी जो हैं सब मटके का पीते हैं। तो हमारे घर में भी ऐसा ही है कि फ्रिज का ही पानी यूज़ होता है, मटके का पानी यूज़ नहीं होता है, तो ज़्यादा ध्यान भी नहीं जाता है, भरती हूँ पर कब खाली हो जाता है पता ही नहीं चलता, थोड़ा बहुत ही भरती हूँ, ज़्यादा नहीं भरती। जैसा कि मैंने बताया कि जब मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ तो इतना क्यों भरी, तो फिर जब भाभी आती है ना तो पता नहीं उसी दिन मटके का मतलब नल से नीचे तक का लेवल रहता है, नल है ना मटके में तो उससे नीचे तक का लेवल रहता है, और नल से चालू करते तो आता नहीं है क्योंकि पानी कम रहता है तो निकालना पड़ता है, तो फिर सुनाती है भाभी कि मटका भर के रखना चाहिए। क्या बोले? आलू किसमें? मुरैया में? सिंगदरा भी डलेगा ना? आलू सिंगदरा प्याज सॉरी अरे नहीं टमाटर हरी मिर्च धनिया पत्ता।
देखो अपने से जो बड़े बोलते हैं ना हमारे भले के लिए ही बोलते हैं, पर ये बातें हमें बाद में समझ में आती है। जब हम 16 17 18 साल की उम्र की होते हैं ना तो हमें लगता है कि नहीं हम सही हैं और जो हमारे बड़े बोल रहे हैं वो बात सही नहीं है, पर वो जैसे जैसे थोड़ी बहुत उम्र होती है ना तो आपको पता लगता है कि नहीं जो बोल रहे हैं आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं, आपके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। और आपको कोई बात चलो नहीं भी अच्छी लगी, मैं मानती हूँ कि कोई बात नहीं भी अच्छी लगी ना तो आप उस टाइम रिएक्ट मत करो उस चीज़ को, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने लाइफ से अपने तजुर्बे से तो मैं बता रही हूँ आपको। तो उस टाइम रिएक्ट मत करो, और अगर जिसने बोला है और वो फिर नॉर्मल हो जाए तो आप समझ लो कि उसको रियलाइज़ हो चुका है उस बात का कि हाँ उसने गलत किया आपके साथ या गलत बोला आपके साथ में। तो उस चीज़ को लिए मतलब उस समय के लिए आप अगर रिएक्ट नहीं करते हो ना तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। और मेरी ये शुरू से ही आदत रही और मैं मानती हूँ कि मेरे में बहुत अच्छी आदत है कि मुझे किसी की बात बुरी लगती है या मैं गुस्से होती हूँ किसी से, मैं गुस्से में होती हूँ तो मैं बात करना बंद कर देती हूँ। और ये आदत मेरे में मेरे पापा से आई है, क्योंकि मेरे पापा का भी यही आदत है कि अगर वो गुस्से में हैं, जैसे हम छोटे थे तो जब वो गुस्से होते थे ना तो सबसे बात करना बंद कर देते थे, बच्चों से मम्मी से सबसे ही बात करना बंद कर देते थे। तो मुझे लगता है कि ये आदत मेरे में पापा से आई है कि मुझे अगर किसी बात से तकलीफ़ हुई है, किसी जिस व्यक्ति से तकलीफ़ हुई है एक्चुअली और मैं गुस्से में हूँ तो मैं बात करना बंद कर देती हूँ। और कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि आप गुस्से में होते हो ना तो आप कुछ भी बोल जाते हो आपको पता नहीं चलता और वो बातें फिर रिटर्न नहीं आती। आप बोलते हैं ना कि मुंह से निकली हुई बात और धनुष निकला हुआ तीर वो वापस नहीं आता, तो कभी भी आप गुस्से में हो ना तो रुक जाएं, मतलब थोड़ा अपने आप को संभाल लें कि ना बोले उस टाइम में, बाद में आप उस बातों को प्यार से भी बोल सकते हैं कि हाँ आपकी ये बात मुझे बुरी लगी है या फिर आपने ये जो किया कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। पर अगर उस टाइम आप रिएक्ट करोगे ना तो आपके मुँह से गलत शब्द ही निकलेंगे, ये मुझे पता है। तो ये चीज़ें मेरे में बहुत अच्छी बात है कि मैं गुस्से में होती हूँ ना तो मैं बात ही नहीं करती हूँ जिस भी व्यक्ति से मैं गुस्से में होती हूँ, फिर बाद में मैं समझा लेती हूँ कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। तो ये चीज़ें होती हैं और कभी भी देखना बड़े जो होते हैं हमारे भले के लिए ही बोलते हैं। और ये चीज़ें जब हम पेरेंट्स बनते हैं ना, जब माँ बाप बनते हैं ना, जब हमको पता लगता है, पर वो चीज़ें फिर वापस नहीं आती ना, जो दिन बीत चुका हुआ तो वापस नहीं आती। कई बातें ऐसे नहीं है कि कई बातें हमें बुरी भी लगती हैं जो नहीं सही होता है, हर बात सही नहीं होती। मैं मानती हूँ कि बड़े का बोला हुआ हर एक चीज़ सही भी नहीं होता है, कभी कभी इरिटेटिंग लगता है नो डाउट, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उस टाइम के लिए आप उसको रिएक्ट ना करो तो बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ पे बस मैंने चावल रख दिया है और थोड़े बहुत जो बर्तन थे ना तो मैं हाथों हाथ ही साफ़ कर ले रही हूँ, जिसको मांजने की ज़रूरत नहीं है, जिसको सिर्फ पानी से धो के रख देने की ज़रूरत है ना तो बस मैं वही कर रही हूँ। और साथ में थोड़ा बहुत मैं किचन भी समेट रही हूँ, किचन भी साफ़ करूँगी क्योंकि फलाहार बनाना है तो इसी वजह से। और दूध का पैकेट है, दही का पैकेट है, तो छाछ का पैकेट है, तो वो सारी चीज़ें मैं धो के अभी साइड में कर रही हूँ, क्योंकि भाभी लेके ही आए थे दूध का पैकेट, तो हस्बैंड लेके आए थे, बाकी छाछ का और दही का पैकेट भाभी लेके आए थे, क्योंकि साबुदाने के साथ में या मुरैया की खिचड़ी के साथ में ना छाछ या दही अच्छा लगता है, तो इसलिए भाभी लेके ही आए थे। बारिश चालू हो गई, वाह वेरी गुड, ये मेरे पौधान गया। और बारिश चालू हो गई इसलिए मैं भागी डोरमेट लेने के लिए, क्योंकि सूख गए थे फिर गीले हो जाते। और यहाँ अभी 4-5 दिन से ऐसा ही हो रहा है कि शाम को बारिश हो रही है। आपको तो बेटा, अरे बेटा सोने ले, सो रहे हो क्या आज इतनी जल्दी सो रहे हो? कुट के डालू जैसे ठीक है। ओ बाबू ऐसे कैसे छोड़ते रहते हो यार, उसमें कैसे दाल छोड़ने का होते बेटा? कि साबूदाना बना रहे? नहीं मुरैया है, मुरैया बन रहा तो मेरी मम्मी जब आती तब तो खाड़ी बनता है मैं गप्पू साबू की भी तो पसंद थी उसको ऐसा पहले अच्छा लगता, अभी अच्छा लगता अभी बेटा ऐसे भी हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमको तो नहीं होता। क्या कर रहे हो? अरे सिंगदाना खराब होने का रही था, सेक के रखने का नहीं तो खराब वो आया हुआ है जो काला नहीं रहता है तो उसे कर छाटे आते रहे बारिश के मजे लेने। और जो मैं बना रही हूँ फलाहार उसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ मुरैया की खिचड़ी की, पर मुझे ऐसा लगा कि रिकॉर्ड हो रहा है और मोबाइल बंद हो गया था स्टोरेज की प्रॉब्लम की वजह से तो ये चीज़ नहीं हो पाया पॉसिबल, पर नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी तो ज़रूर आप सबके साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अभी तक आप सबसे शेयर नहीं करी है। चलिए उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें।